हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे सिक्स क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर। ये करंट सेशन पीटी टू एग्ज़ाम का पेपर है ऑफ पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय। और सबसे पहले है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कैरिंग वन मार्क ईच। फर्स्ट इज विच आर द एनिमल्स शोन इन आर नेशनल एम्बलम। हमारे नेशनल एम्बलम राष्ट्रीय प्रतीक में किन एनिमल्स को शो किया गया है? सो वैसे तो लायंस ही हैं, चार लायंस जो बैक टू बैक खड़े हैं, लेकिन नीचे पिलर पर बुल है, हॉर्स है और एलिफेंट है। तो अगर ऑप्शन में ये तीनों होते फिर ऑल ऑफ दीज होता, तो डी ऑप्शन करेक्ट होता। अब आपको अगर एक ही चूज करना है तो फिर बी ऑप्शन सही है, लायंस। नेक्स्ट इज इन विच बुक वर चाणक्यास आइडियाज रिटन। किस बुक में चाणक्य के विचारों को लिखा गया है? अर्थशास्त्र में, सी ऑप्शन। वेयर वॉज सॉल्ट प्रोड्यूस्ड प्लेंटीफुली अलोंग। सॉल्ट का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है सी के अलोंग, क्योंकि सी का वाटर सलाइन होता है, उसमें नमक घुला होता है। मोस्ट अशोकन इंस्क्रिप्शंस आर इन ब्लैंक स्क्रिप्ट। ज़्यादातर अशोका के इंस्क्रिप्शंस है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, डी ऑप्शन। हु इलेक्ट्स द पंचायत हेड। पंचायत के हेड मुखिया को इलेक्ट करते हैं, उसका चुनाव करते हैं ग्राम सभा के सभी मेंबर्स। व्हाट इज अ मैप। मैप क्या है? सो मैप एक ड्राइंग है अर्थ के सरफेस की, फ्लैट पेपर के ऊपर जब हम उसे ड्रॉ करते हैं स्केल के अकॉर्डिंग। ये प्रॉपर डेफिनेशन है मैप की। नेक्स्ट इज मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट आर। फॉरेस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन जिस मैप पर शो किया गया हो उसे हम बोलते हैं थीमेटिक मैप, थीम के अकॉर्डिंग जो बनते हैं। वॉट इज फिजिकल मैप। फिजिकल मैप होते हैं जिसमें अर्थ के नेचुरल फीचर्स को, लैंड फॉर्म को शो किया गया हो। ए ऑप्शन। सिटीज टाउन्स विलेजेस को बाउंड्रीज के साथ शो किया गया हो उन्हें बोलते हैं पॉलिटिकल मैप। और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट रेनफॉल थीमेटिक मैप, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट इज द बुद्धा अटेंड एनलाइटनमेंट एट। बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया में, बी ऑप्शन। कलिंगा इज द एंशियंट नेम ऑफ। कलिंग एंशियंट प्राचीन नाम है उड़ीसा का, सी ऑप्शन। नाउ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट इज व्हाट वर द मीन्स अडॉप्टेड बाय अशोका टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ धम्म। धम्मा के मैसेज को स्प्रेड करने के लिए अशोका ने क्या क्या मीन्स को अडॉप्ट किया था? सबसे पहले तो वो खुद ही प्लेस टू प्लेस जाकर लोगों को इसके बारे में अवेयर करते थे, टीच करते थे। उसके बाद उन्होंने रॉक पिलर्स को इंस्क्राइब कराया, जो मैसेजेस हैं वो पत्थर के पिलर्स के ऊपर खुदवा कर लिखवाए, और कुछ मैसेंजर्स को बाहर की कंट्रीज में भी भेजा। थ्री मार्क का क्वेश्चन है, तीनों आप लिखेंगे। सो फर्स्ट ही वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धम्म About Dhamma. Second, Ashoka used inscribed rock pillars to spread the message. And number third, he sent messengers to spread the message of Dhamma to other countries. Countries like Sri Lanka and Egypt, etc. Next. Now, what is the difference between Gram Sabha and Gram Panchayat? Gram Sabha और Gram Panchayat में क्या difference है? So, Gram Sabha में एक गांव में जितने भी voters हैं, 18 years से above जितने भी लोग हैं, सभी Gram Sabha के members होते हैं, जबकि Gram Panchayat में कौन आता है? सिर्फ सरपंच और वार्ड मेंबर्स, जिनको इलेक्ट करते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स। सो ग्राम सभा के मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते, सिर्फ एज अटेन करने के बाद ही आप उसके मेंबर बन सकते हैं, लेकिन इनका चुनाव होता है। ओके, सो आप लिखेंगे ग्राम पंचायत कंसिस्ट्स ऑफ वार्ड मेंबर्स एंड सरपंच, एंड ग्राम सभा कंसिस्ट्स
ऑफ एवरी पर्सन हुज नेम इज इन वोटर लिस्ट, वोटर लिस्ट ऑफ दैट विलेज. एंड देन मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय ग्राम सभा मेंबर्स, मेंबर्स जबकि ग्राम सभा के मेंबर्स इलेक्टेड नहीं होते. द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा आर नॉट इलेक्टेड. ओके, नाउ व्हाट आर द वर्क ऑफ पटवारी, पटवारी के क्या काम है. लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करना, लैंड को मेजर करना, प्रॉपर मैप्स रखना सभी प्लॉट्स के. फर्स्ट इज मेंटेनिंग लैंड रिकॉर्ड्स, सर्वे कंडक्ट कराना, इसको छोड़ सकते हैं क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन है, 3 ही पॉइंट्स आपको लिखने हैं. कलेक्टिंग रेवेन्यूज, रेवेन्यू कलेक्ट करना, टैक्स कलेक्ट करना लोगों से, और डिस्प्यूट्स को सेटल करना, सेटलिंग disputes. Okay, next. Now, what are the 3 components of a map? Map ke 3 components hain. Distance, direction and symbol. And number 3, symbol. Okay. Next is, why is the earth called the blue planet? Earth ko blue planet kyun bolte hain? क्योंकि अर्थ का 71% सरफेस वाटर से कवर्ड है, और जब स्पेस से हम अर्थ को देखते हैं तो रिफ्लेक्शन की वजह से वो जो वाटर वाला पार्ट है वो ब्लू दिखाई देता है, तो इसीलिए इसको ब्लू प्लैनेट कहते हैं. और किसी भी प्लैनेट पर वाटर नहीं है. सो द अर्थ इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट बिकॉज मोर दैन 71% ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड with water, and when viewed from outer space, viewed from space, due to reflection of sunlight, it appears blue. So that is why it is called blue planet. Next, now long answer type questions. What were the problems that Ashoka wanted to solve by introducing Dhamma? Dhamma ko introduce karke Ashoka kin kin problems ko solve karna chahte the. Sabse pehle to regional jo religious jo conflicts hoti thi religion ki wajah se, religious conflicts ko solve karna, animal sacrifices ko band karna, animal प्रॉब्लम्स लिखनी है आपको. सैक्रिफाइस, जो स्लेव्स सर्वेंट्स होते थे उनके साथ इल ट्रीटमेंट होता था उसको बंद करना, कितने मार्क का क्वेश्चन है, 4. टू नो इल ट्रीटमेंट ऑफ स्लेव्स दास एंड सर्वेंट्स, और उनके जो सब्जेक्ट्स हैं जो लोग रहते हैं वहाँ पर उनमें जो लड़ाई झगड़े होते रहते थे उनको बंद करना, क्वारल्स बिटवीन हिज सब्जेक्ट्स. ये वो प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से उन्होंने धम को इंट्रोड्यूस किया. नाउ नेक्स्ट इज मार्क द फॉलोइंग इन इंडियाज पॉलिटिकल मैप. पाटलिपुत्र करंटली पटना, ये अभी बिहार में है, कैपिटल ऑफ बिहार. तक्षशिला, ये प्रेजेंट डे पाकिस्तान में है. उज्जैन मध्य प्रदेश MP, एंड भरूच ये है गुजरात में. ओके, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैन, भरूच. नंबर 1 पाटलिपुत्र, तक्षशिला. नंबर 3 उज्जैन एंड भरूच. 4. ओके, दैट्स ऑल स्टूडेंट्स. ये था 6th क्लास सोशल साइंस का एक क्वेश्चन पेपर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.